गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज मास्टर माइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल हतमास पिपरिया। माय नेम इज मुस्कान गुप्ता एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज रैशनल नंबर। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज एक्चुअली रैशनल नंबर इज। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द form of P and Q, the numbers which can be written in the form of P and Q, where Q is not equals to 0, where Q which is denominator is not equals to 0, okay? So, the numbers which can be written in the form of P and Q, वे number जिनको हम P upon Q के form में लिख सकते हैं या fraction के form में लिख सकते हैं। We learn about some more terms. First term is whole number. And natural numbers. So, the whole numbers here. What we see? O. Okay, in alphabet we call that O. And in mathematics, we called it zero. The numbers which starts from zero is called whole number. And the numbers which starts from 1, 2, 3, they are called natural number. Okay, जो numbers zero से शुरू होते हैं वो whole numbers होते हैं। The numbers जो 1 से शुरू होते हैं वो natural numbers होते हैं। Okay, now we can say that all natural numbers were whole number, but all whole number is not natural number. सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ जीरो। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट सम मोर टर्म्स। फर्स्ट इज एसोसिएटिव आइडेंटिटी, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन cumulatively and then additive inverse. Okay, now the associative identity, the formula is A into B into C is equals to B into C into A. And the what is the formula of multiplicative identity is A into 1 upon A is equals to 1, मतलब कोई भी दो नंबर को इंटू करने पे 1 आना चाहिए। एंड व्हाट इज कम्युनिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज A into B is equals to B into A. एंड वी नो दैट एडिटिव इनवर्स इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी दो नंबर को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी गो, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. ओके, नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड फाइंड। हमको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, बाकी इसके देख के अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके, ओके, नाउ फर्स्ट वी डू मल्टीप्लीकेशन, then plus, then minus, according to word mass, you know? Okay, bracket open, divide, multiplication, add, subtraction. सबसे पहले bracket open कीजिए, 3 type के होते हैं ये, and then bracket open, divide, multiplication, add and subtraction. Now फर्स्ट वी कट हेयर 3 and 3 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 5 by 2, डोंट कट, यू कांट अंडरस्टैंड लाइक दैट। 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15 प्लस 5 by 2 माइनस 3 1 जा 3 और 5 6 जा 13। नाउ वी टेक
LCM. Okay, now we take LCM of 15, 2 and 30, and the LCM is 30. You know how to take LCM. Okay, now 15 के टेल में 30 कितनी बार में आता है? First we divide denominator into LCM, then multiply numerator. Okay, सबसे पहले अपन इसको इससे divide करेंगे, फिर इससे multiply करेंगे. तो 2 and 6 2 जा 12 plus 15 5 जा 75 minus 3. Okay, now minus minus plus, but sign minus का आएगा 15 by 30. Now minus 60 by 30 and 3 when the 3 2. तो our answer is 2. Okay, इसी तरीके से आप इसका second question करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा. वर्ड मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एलसीएम निकालना आपको आता है. नाउ वी गो फॉर अवर सेकंड क्वेश्चन. ओके, एंड अवर क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स. ओके, नाउ वी गो एडिटिव इनवर्स. ओके, सिंपल. द we take example that 2 by 8, we can't do anything, we change sign. Okay, इसके पीछे कुछ sign नहीं लगा है तो ये plus का है, तो इसका answer हो जाएगा minus 2 by 8. Okay, we take another example like minus 6 and minus 5. We know that minus minus plus, so the digit is 6 by 5. We only have to change sign. Okay, so minus 6 by 5. Okay, अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कर दो, और अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर दो, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दो. ओके, नाउ वी गो विद अवर थर्ड क्वेश्चन. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट. वेरीफाई करना है हमको कि ये इसके इक्वल्स है कि नहीं. तो अपनी वैल्यू दी गई है, फर्स्ट अपन को एक्स की वैल्यू दी गई है 11 by 15. सो वी कांट डू एनीथिंग, वी ओनली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू दिस इक्वेशन. हमको एक्स की वैल्यू जो कि 11 by 15 दी गई है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है. सो माइनस माइनस 11 by 15 इज इक्वल्स टू 11 by 15, और इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल्स. मतलब इस साइड और इसके इस साइड वाली डिजिट है वो इक्वल होनी चाहिए. ओके, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 11 by 15. ओके, सो हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया, तो अपन आंसर में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड. ओके, यू अंडरस्टैंड, ओनली वी ओनली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन. ओके, अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज -13, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे या इसको उल्टा कर देंगे. तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे अपन ने क्या लिख दिया? 1. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 1. ओके, इसको सिर्फ उल्टा कर दो, कर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट, 1 by 5. ओके, इसको सिर्फ उल्टा कर दो, 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा. अंडरस्टैंड? ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना, ऊपर को नीचे लिया और नीचे को ऊपर लिया, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लिख देते हैं 1. ओके, नाउ वी गो विथ अवर फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप इसको सेल्फ कीजिए. ओके, नाउ वी गो विथ अवर सिक्स्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16. हमको क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ
minus 7 by 16. Okay, we know what is multiply this. Okay, and what is reciprocal? हमें इसको उल्टा कर देना है. ओके, तो 6 by 13 इंटू उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 16 y - 7. ओके, द रेसिप्रोकल ना माइनस वहीं का वहीं रहेगा, डोंट यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो 16 × 6 वी हैव टू सॉल्व, 96 - 91, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -96 / 91. ओके, मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16. वर्ड रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करने पर हो जाएगा 16 by 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 16 × 96 एंड यू डू द आंसर इज -96 by 91. नाउ वी गो विद अवर सेवंथ क्वेश्चन. द सेवंथ क्वेश्चन इज टेल द प्रॉपर्टी अलाउस, प्रॉपर्टी बताना है उसमें. अब एट्थ क्वेश्चन, सेवंथ वाले में प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 / 1/8. आपको ये बताना है कि जो 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं -1 / 1/8 का. तो ओके, तो फर्स्ट वी सॉल्व दैट, 8 × 1 = 8 + 1, तो -9 / 8. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई देन वी एड. ओके, लाओ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि किसी भी दो डिजिट को इनटू करने पे क्या आना चाहिए, 1. तो 8/9, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 1. 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट आप, और यहाँ पे क्या आ गया, -1. तो ये क्या आया, -1 = 1. सो अवर आइडेंटिटी इज a × 1 / a = 1, मतलब किसी भी टू डिजिट को इनटू करने पे 1 आना चाहिए. इनटू करने पे 1 नहीं आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, यहाँ +1 आ रहा है, तो दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8. और वी कैन से दैट -1 / 1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9. ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ. अब नाइन्थ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेम, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3. ओके, सो 0.3, इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, इनटू 3 3 = 9 1 10 y 3, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इसके इक्वल्स टू में आनी चाहिए 1. कितना आ गया, 1 = 1. सो अपन वी कैन से दैट 3 whole 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3. ओके, नाउ फॉर टेंथ क्वेश्चन इज अवर टेंथ क्वेश्चन, द फर्स्ट, चलो द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल का इक्वल्स होता है 1, एंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल्स होता है 0. ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड एंड वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर अवर अदर एक्सरसाइज 1.2. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.